आज मैं आप सभी को अपनी एक कहानी सुनाऊंगा जो मेरा जेईई मेन एग्जाम जब हुआ था तब लास्ट का जो 1 मंथ के आसपास का पीरियड था, 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो बचे हुए थे, विच इज करेंटली व्हाट इज हैपनिंग विद यू गाइस, राइट। इस समय में कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन को शेप किया था और मेरे साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हुआ था, आज मैं आपको उसकी कहानी सुनाऊंगा एंड आप डेफिनेटली उससे काफी कुछ सीखोगे। स्पेशली अगर आपने अभी गिव अप कर दिया यार, अगर आपको लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, दिस इज द बिगेस्ट लाइन। ओके, बताता हूँ क्या है। देखिए, तो जब मेरी जेईई की तैयारी चल रही थी ना, तब मेरे यूजुअली मॉक टेस्ट में 360 का पेपर होता था, तब 90 क्वेश्चन पूरे करने होते थे। तो तब मेरे 360 में से लगभग आ जाते थे 330 340 इस तरह के आ जाते थे। अब यहाँ पे कोई बच्चा अगर ऐसा हो जिसका इतना स्कोर नहीं आता है तो आप दुखी मत होइएगा, मैं यहाँ पे आपके सामने से बताने नहीं आया हूँ कि अरे देखो मैं इतने नंबर आते, वो वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज सुनिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन जब लास्ट का एक महीना लगभग जब था ना, 1 महीना 2 महीना, तब मैं क्या थोड़ा प्रिपरेशन से बोर होने लग गया था कि मुझे लगता था यार क्या बार बार वही चीज़ें पढ़नी, क्योंकि अभी आपको भी बोर्ड एग्जाम में वही चीज़ें आप पढ़ रहे हो, फिर वापस से जेई होगा, वापस से वही चीज़ें जो जनवरी में भी पढ़ी थी, राइट। तो थोड़ा सा मैं बोर हो गया था और मैंने इतना अपना थोड़ा रिविजन या ये सब कम कर दिया था, राइट। ये लगभग बात है जब एग्जाम में 3 हफ्ते बचे होंगे, उससे पहले पहले मैं ऐसा कर रहा था, तो मेरा स्कोर थोड़ा सा अफेक्ट होने लग गया। मेरा स्कोर जो 330 340 आता था वो अब आने लग गया था 300 310, है ना। एक टेस्ट में तो मुझे याद है 290 भी आ गए थे। अब मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा इतने अच्छे नंबर है, लेकिन आप सोचिए ना कि मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि यार मैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर लेके आऊंगा, तो जब आपके 290 300 ऐसा स्कोर होता है आपको बुरा लगता है, ठीक है। आई नो आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन प्लीज बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और आप खुद पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने अपने सर से बात की, उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट भी किया कि यार देखो आपने अच्छी तैयारी वगैरह की है काफी सालों से, अब बहुत अच्छा कर सकते हो, बस लगे रहो और ऐसे डाउट मत करो अपनी एबिलिटी पे। और जो लास्ट के 3 4 हफ्ते बचे थे उसमें मैंने वापस से मेहनत करनी चालू की, और जो मेरे गैप आ रहे थे ना मार्क्स में, जैसे 360 में से मेरे 300 आसपास ही आ पा रहे थे, ठीक है, लास्ट के अराउंड 1 मंथ बैक, तो मैंने देखा कि वो 60 मार्क्स का गैप कहाँ पे जा रहा है। मुझे पता चला कि कई सारे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक से कवर गलत कर रहा हूँ, कुछ चैप्टर केवल 4 5 चैप्टर थे जो मेरे वीक थे और उनकी वजह से मेरा बार बार नंबर मेरे कम हो रहे थे केवल उन्हीं चैप्टर से। तो मैंने लास्ट के 3 4 हफ्ते कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल उन 3 4 5 चैप्टर जिनसे मेरे रेगुलरली नंबर कम हो रहे थे उन पे फोकस किया, एंड मेरी जो सिली मिस्टेक से नंबर जा रहे थे केवल उन पे फोकस किया, इन दोनों पे ही मैंने ध्यान दिया और बाकी जो अपना नॉर्मल रिविजन चला था वो करता गया। आप मानेंगे नहीं, 1 2 हफ्ते के अंदर मैजिक दिखने लग गया, मैं वापस से 330 340 पे आ गया, क्योंकि ये 30 40 नंबर का गैप ही है तो कवर हो जाता है अगर आप केवल बहुत ही सिंपल चीज़ें सिली मिस्टेक्स को सही करना, जिन चैप्टर्स में रेगुलरली क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको सही करना, तो ये चीज़ें की। तो मेरा जब लास्ट मॉक टेस्ट था ना जेईई मेन से पहले 1 हफ्ते पहले, मुझे याद है उसमें मेरे 345 मार्क्स आए थे और एग्जाम के दिन फिर मैं 360 मार्क्स लेके आ गया था। तो अब जरूरी नहीं है कि आपके भी 300 में से 290 नंबर आ रहे तो ही आप पे एप्लीकेबल है। अगर आपके लट से 100 नंबर आ रहे हैं या आपके 180 नंबर आ रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा गैप आ रहा है प्रिपरेशन में, कहाँ पे हम सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ, ठीक है। आपको लग रहा है कि अरे यार 3 हफ्ते ही बचे, कोई बात नहीं, आप 10 चैप्टर आइडेंटिफाई करो जिसमें आपके सबसे ज़्यादा नंबर कटते हो, जो आसान आपको लगते हैं, केवल उन 10 चैप्टर को पढ़ के जाओ, आप देखेगा आपके मिनिमम 40 50 नंबर बढ़ जाएंगे। सिली मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, नंबर उनके आने चाहिए थे 180 आए 120, क्यों? क्योंकि सिली मिस्टेक करके आ गए। सिली मिस्टेक्स पे ध्यान दो, क्यों हो रही है, ठीक है। जैसे हर सिली मिस्टेक का ना एक सोल्यूशन होता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनका रीडिंग गलत हो जाता है कि रीड गलत कर लेते हैं वो, तो अंडरलाइन किया करो इंपॉर्टेंट चीज़ों को, दिस इज अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। कई बच्चे ऐसा होते हैं कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि विच ऑफ दिस इज इनकरेक्ट, वो गलत करके आ जाते हैं, करेक्ट ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट था मार्क कर दिया, पता ही नहीं थी कि ए बी और डी तीनों करेक्ट थे, इनकरेक्ट वाला मार्क कर रहा था, सी आंसर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी स्लोनेस, थोड़ा स्लो पेपर करने से और क्वेश्चन के सामने लिख देने से कि अच्छा ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ऐसे कुछ करेंगे, इनसे ये सिली मिस्टेक्स कम हो जाती है, ठीक है। सिली मिस्टेक्स एलिमिनेशन पे आप ध्यान दीजिए, केवल इन दो चीज़ों पे ध्यान देंगे डेफिनेटली आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी आज की टिप थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको और अच्छा करना है अपने एग्जाम में तो हमारा जो जेईई मेन प्लस एडवांस क्रैश कोर्स है उस पे अगले 4 दिन यानी 14 15 16 17 मार्च तक आपको उस पे ₹2000 की सेविंग मिलेगी। आप उसको केवल ₹2999 में ले सकते हो, जो आपका जेईई एडवांस तक चलेगा, तो उसमें एडवांस का भी तैयारी हो जाएगा और अभी अप्रैल का भी हो जाएगा। ट्रस्ट मी, केवल इस एक कोर्स को करके आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। कई सारे स्टूडेंट्स 10,000+ स्टूडेंट्स इस कोर्स से पढ़ चुके हैं एंड दे हैव मेड इट टू एक्सट्रीमली गुड कॉलेजेस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप और डिटेल्स देख लीजिए, वहाँ पे आप ऐप से या वेबसाइट से कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट ओनली टिल 17th मार्च, उसके बाद आपकी सेविंग्स ₹2000 की नहीं होंगी।
सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो यार, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, गुड लक।